তো দিয়ে हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुबह की प्यार भरे नमस्कार। कैसे हो आप लोग सभी? हाँ राकेश जी, गुड मॉर्निंग हटा दो। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुबह की प्यार में नमस्कार। कैसे हो आप लोग सभी? सबसे पहले आप लोग सभी वॉल्यूम चेक करिएगा, आवाज चेक करिए सभी आप लोग सबसे पहले। और आपका सबसे पहला काम क्या पता है ना, आप लोग सभी अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर कीजिए, स्पीडली शेयर कीजिए। हाँ जी, देखिए कल 12th क्लास का रिजल्ट भी आ गया है तो कैसा रिजल्ट आया है वो आप लोग सभी देख लीजिए। अब नहीं तो इतनी तो शायद नहीं, या जो स्टूडेंट 12th में पढ़ रहा है शायद उसने भी नहीं सोची होगी। सही बात है ना? बोलो हाँ या ना। अब आप ये बताइए, 100-100% विद्यार्थियों की बन रही है, हम भी देख रहे थे वहां कल, ठीक है ना। मतलब फेसबुक पे स्टोरी वगैरह, व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह, जितनी भी चीजें हैं जहां भी हम देख सकते हैं सब जगह देखी। तो ये क्या हो रहा है? हमारे खुद के, मेरे खुद के परिवार में 4 सदस्य थे, मतलब 4 बच्चे थे और चारों मैथ से थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब पास ही बड़ी मुश्किल होने वाले है, और उनकी परसेंट बनी है 90-90। सोचिए आप क्या होने वाला है। मतलब 12th में ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं, ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं, ये मान के चलिए उन्हें ना एक्स की पावर एन का अवकलन मालूम नहीं है, एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव नहीं जानते हो। अब आप बताइए वो बच्चे क्या कर पाएंगे? तो वो स्टूडेंट या तो हमारे लिए परेशानी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि हमें फिर उसी हिसाब से उनको पढ़ाना पड़ेगा। नहीं चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और वैसे भी आजकल ट्रेंड चल रहा है, मौज कर दिया। हाँ जी, और उसके बाद हमारे पास में देखिए, जब बच्चा 10th पास आउट होकर के जब 11th में आता है और जब वो साइंस मैथ लेता है ना, तो उसके और उसके माता पिता के बहुत सारे अरमान होते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, हमारी बेटी इंजीनियर डॉक्टर बने। आजकल ये हो रहा है कि बस पास हो जाए, है ना। क्योंकि देखो अभी है ना, जो सिस्टम चल रहा था कोरोना का, देखो इसमें क्या है कि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो गांव के, जो मतलब बहुत गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। क्योंकि हम क्या कि हम भी आपके जैसे हैं ना, एक प्रॉपर गांव से हैं, तो हम देखते हैं हमारे आसपास का वातावरण। और गांव में पता है एक सबसे बड़ी समस्या और है, कोई ना किसी चीज को लेने में एक्सेप्ट नहीं होता कि नहीं ऐसे कैसे ले लेंगे, हमारे पास क्या नहीं है। भले कुछ भी नहीं हो लेकिन फिर भी हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है ना। और अगर यही बच्चे अगर सिटी में होते हैं ना, तो जो जैसा मदद करते हैं ना उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो चलो रिजल्ट वैसे अब ठीक रहा था, अब हम भी और आप भी क्या कर पाएंगे इसमें। नहीं, जब आरएस का रिजल्ट ही ऐसा हो सकता है तो ये तो 12th क्लास है। आइए देखिएगा, चलिए हम हमारी क्लास है ना उसको आरंभ करते हैं। देखिए हम आपको एक जानकारी अभी देना चाहते हैं बेटा, हमारा है ना आईआईटी जैम का
एक नया बैच अनाउंस हो रहा है, आप नया बैच बोल सकते हो, नया पेपर बोल सकते हो, और कल से वो स्टार्ट होगा, ठीक है ना, आईआईटी जेम का। हमारा उसमें दो पेपर लगभग लगभग समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना, मतलब दो पेपर उसमें चल रहे थे हमारे, कल से हमारा नया पेपर स्टार्ट होने वाला है। आप ऐसे कह सकते हो कि नया बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चा अगर ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो बेशक वो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकता है। चलिए अब हम यहां से बाहर निकलते हैं और हम हमारे काम पे आते हैं, ठीक है ना। हमारा जो धंधा है वो अभी बीएससी पार्ट थर्ड का है, ठीक है ना। आइए। हाँ जी, सब कुछ ठीक है ना, वॉल्यूम वगैरह। हाँ चलिए, यहां देखिएगा थोड़ा। हमने जो लास्ट क्लास थी हमारी, डेमो लेक्चर थर्ड, उसमें हमने आपको है ना प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी। प्रॉपर्टीज में 9-10 प्रॉपर्टीज थी। वो प्रॉपर्टीज काफी जगह है यूजफुल होती हैं, तो जहां भी जिस भी जगह वो यूज होंगी हम आपको पहले बता देंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने आपको थोड़ा सा लिमिट के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था, थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में दिया था, और उसके बाद क्योंकि हमारा टारगेट लिमिट और कंटिन्यूटी नहीं है, हमारा टारगेट है डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, ठीक है ना। तो हमने वहां पर कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, और उम्मीद है कि शायद हमने उसकी डेफिनेशन सीख ली होगी, ठीक है ना, और हमने उसको लिखवा भी दी थी। हाँ जी बेटा, हमारे पास में कोई भी एक, मेरे पास में कॉम्प्लेक्स फंक्शन है एफ ऑफ जेड, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, सम्मिश्र फलन है बेटा। फंक्शन आप जैसे ही बोला तो हर फंक्शन अपने साथ में डोमेन लेके आता है, तो ये मेरे पास में सम्मिश्र फलन एफ जेड, प्रांत डी में बिंदु जेड नोट पर, दो डेफिनेशन थी, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए और एक कंप्लीट डोमेन के लिए थी, पूरे प्रांत के लिए थी। एक फलन एफ जेड प्रांत डी में बिंदु जेड नोट पर अवकलनीय कहलाता है यदि लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोट एफ जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन जेड माइनस जेड नोट की लिमिट का एग्जिस्टेंस हो, और उसके बाद में अगर ऐसा है तो हम उसको एफ डैश जेड नोट नाम दे देते हैं, ठीक है ना। यानी कि आप ऐसा भी लिख सकते हो कि सर जी एफ डैश जेड नोट इक्वल टू जेड टेंड्स टू जेड नोट माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, विद्यमान एवं परिमित। ये पहले डेफिनेशन थी एक विशेष बिंदु के लिए। इंग्लिश में क्या लिखवाया था, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड, एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड इज कॉल्ड डिफरेंशिएबल, मेरे पास में एट पॉइंट जेड नॉट इन डोमेन डी, ठीक है ना, इफ लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद हम उसको एफ डैश जेड नॉट भी नाम दे सकते हैं, या हम उसको एक साथ भी लिख पाएंगे कि एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, ठीक है ना। ये हो गया था हमारा कि एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नॉट एफ जेड माइनस का एफ जेड नॉट अपॉन मेरे पास में जेड माइनस जेड नॉट इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, विद्यमान एवं परिमित। ये थी फर्स्ट डेफिनेशन। बेटा जो हमारे पास में सेकंड डेफिनेशन है ना, वो कंप्लीट डोमेन के लिए है, कंप्लीट प्रांत के लिए है, होल डोमेन के लिए है। और वो डेफिनेशन क्या थी मालूम है आपको, कि सर जी हमारे पास में कोई भी एक फंक्शन होता है, हमारे पास में एफ ऑफ जेड, कौन सा फंक्शन है सर जी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है। वैसे हम पूरे पेपर में कॉम्प्लेक्स ही पढ़ेंगे, तो आप केवल फंक्शन बोल करके भी यह काम चला सकते हो, क्योंकि जिसके बारे में हम पढ़ रहे हो कॉम्प्लेक्स है। यहां सम्मिश्र फलन बोल सकते हो एफ जेड, केवल फलन एफ जेड बोल सकते हो, फंक्शन एफ जेड आप बोल पाओगे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ जेड आप बोल पाओगे, वो आपका पर्सनल मामला है,
जिस भी तरह से आपको अच्छा लगे आप बेशक बोल सकते हो उसको। हाँ जी, तो मेरे पास में ये फंक्शन एफ जेड इस डोमेन डी में हमारे पास में डिफरेंशिएबल हो, क्या होगा, अवकलनीय होगा बेटा। उसके लिए सर जी लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इज एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, विद्यमान एवं परिमित हो, हम इसको बोलते हैं सर जी एफ डैश जेड। तो ये हमारा हो गया था। अगर आपसे पर्टिकुलर पॉइंट के लिए डिस्कस करवाया जाएगा तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर आपसे होल डोमेन के लिए बातचीत की जाएगी तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। चलो मैं यहां से, तो यहां तक हमारा कल हो चुका था, आज हम क्वेश्चंस या थ्योरम्स वगैरह जो भी है वो करना आरंभ करेंगे। लिखिए फर्स्ट, हाँ, और जो भी कराना है ना, अगर एक अक्षर भी हमें करवाना है ना तो हम खुद करवा देंगे बोर्ड पे, आप उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आपको बुक परचेज करनी है नहीं करनी है, हम उसमें एक भी परसेंट इंटरेस्टेड नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि बुक क्यों परचेज करें भैया। इतने जैसे मेरे पास में मान लीजिए 400 रुपए की बुक आती है, तो 400 रुपए में तो चॉकलेट आइसक्रीम बहुत कुछ आ सकता है। ठीक है ना, आइए सभी यहां देखिएगा। हाँ, तो यहां से लिखिए हमारा बड़ा क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएबिलिटी के 4 क्वेश्चन है हमारे और एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है। ठीक है ना, 3 क्वेश्चन और एक थ्योरम है, तो हम उसको टोटली 4 बोलते हैं यहां। तो 4 हमारे क्वेश्चन है यहां अवकलनीयता में, और एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, भले 2 मार्क्स का है लेकिन आएगा। यानी कि आज की और कल की जो क्लास होने वाली है ये मान के चलिए आपके 2 वरना 4 मार्क्स की तो होने वाली है ही है। चलो लिखिए क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए फलन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, जेड की पावर 1, जेड स्क्वायर, जेड क्यूब एक्सेट्रा जो भी हो सकता है, वो मेरे पास में सर्वत्र अवकलनीय है, सर्वत्र अवकलनीय है। ठीक है ना, प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, कैपिटल एन का मीनिंग या हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से है, 1, 2, 3 से है, ध्यान रखना, इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो एक क्वेश्चन आप लिखिए और उसके बाद आप लोग सभी अपने अपने नोट्स को बंद करके इस साइड में कर देना, और 5 से 10 मिनट केवल आप हमें सुनेंगे, उसके बाद आप छाप लेना। ठीक है ना, बस सुनना है पहले 5 से 10 मिनट। चलिए हाँ जी, हमारे पास में इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो उम्मीद करूंगा कि शायद सभी ने लिख लिया होगा ये। ठीक है ना, अब आपके पास में ना एफ जेड देखो, अब एग्जामिनर क्या करेगा, पैतरे अपनाएगा नए नए, बच्चे को अगर उलझाना चाहेगा तो बेसिक अपना सकता है वो, क्योंकि बच्चा बीएससी में इतना ही पढ़ता है कि जेड की पावर एन है ना, तो जेड की पावर एन आएगा तो ही हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये क्या बात हुई, ये तो बात गलत है ना। अब एन मैं बोल रहा हूं कि एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, अब एन का मान कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर दे सकता है,
एफ जेड इक्वल टू केवल जेड दे सकता है, एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 3 दे सकता है, कुछ भी हो पाएगा। चले यहां से आगे हम लोग, आइए और देखिएगा यहां। हाँ बेटा, हमें अब आप लोग बंद कर दीजिए कॉपी किताब पेन बंद, केवल और केवल सुनिएगा आप हमें। एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन है बेटा, यहां पर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन नहीं है। आपसे इसने ऐसा नहीं बोला कि जेड इक्वल टू 1+2 आयोटा पर आप चेक करिए, या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको यहां गिवन नहीं है जिस पर आपको डिफरेंशिएबल चेक करना है, अवकलनीय चेक करना है, ऐसा कहीं भी नहीं है। दिखाई दे रहा क्या आपको? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, अगर आपको दे रहा तो अच्छी बात है। तो अगर हमारे पास में अगर पर्टिकुलर पॉइंट यहां पर गिवन नहीं है तो बेटा हम लोग किसका यूज करेंगे सर जी? डोमेन वाले डेफिनेशन का। किसका? डोमेन का। अगर हमसे ऐसा बोला जाता कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन कोमा जेड इक्वल टू 1+2 आयोटा, पर्टिकुलर पॉइंट डिफाइन होता पर अवकलनीय है, तो हम डेफिनेटली डेफिनेशन नंबर फर्स्ट का इस्तेमाल करते। अगर आपसे ऐसा बोला जाता कि प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन कोमा जेड इक्वल टू 1+2 आयोटा, मेरे पास में इस पॉइंट पर डिफरेंशियबल है, अगर ऐसा बोला जाता तो हम डेफिनेशन नंबर फर्स्ट का 100% इस्तेमाल करते। चले यहां से आगे बढ़िएगा। तो यहां पर बेटा किसका यूज करेंगे सर जी? होल डोमेन की डेफिनेशन का, ठीक है ना? और वो डेफिनेशन क्या है? एपटेस जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन मेरे पास में डेल्टा जेड, ये डेफिनेशन है। ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए और फाइनाइट होनी चाहिए। चलें आओ। हाँ तो यहां से बेटा मेरे हमारे पास में क्या है दिया गया फलन, सुनना आप लोग सभी, यहां पास में यहां से या माना दिया गया फलन जो भी है, दिया गया फलन एफ जेड इक्वल टू, आप फलन लिख दो, सम्मिश्र फलन लिख दो, एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है फलन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर सर्वत्र अवकलनीय है, सर्वत्र अवकलनीय है। लैंग्वेज का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है यहां, क्योंकि पेपर बड़े थ्योरेटिकल्स हैं और थ्योरेटिकल्स पेपर में आप किस प्रकार की लैंग्वेज लिखते हो यही सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ जी, तो बड़े मेरे पास में यहां से लेट गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन और फंक्शन जो भी आपको लिखना अच्छा लगे, एफ जेड इक्वल टू मेरे पास में जेड की पावर एन, एन बिलोंग टू कैपिटल एन, देन वी प्रूव दैट, देन वी विल शो दैट, जो भी आपको लिखना है, देन वी प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर डिफरेंशियबल एवरीवेयर, इज डिफरेंशियबल एवरीवेयर, हमें यह बताना है और हम ये लेके चल रहे हैं, ठीक है ना? कोई समस्या यहां तक आई आप लोग? यहां परिभाषा से, परिभाषा से फ्रॉम डेफिनेशन। हाँ जी बोलिएगा बेटा, हमारे पास में जो डेफिनेशन है ना वो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ जेड माइनस एफ अपॉन डेल्टा जेड, ये एग्जिस्ट हो जानी चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, विद्यमान और परिमित। अगर ये, अगर मैं यहां पर एग्जिस्ट एंड फाइनाइट लिख दूं ना, इसका मतलब तो ये तो यही हो गई, नहीं, हमें वो चेक करना है।
चले यहां से आगे, आइए हमारे पास में इक्वेशन नंबर एक। हाँ जी सर जी, सिंस एफ जेड इक्वल टू हमारे पास में जेड की पावर एन, तो बेटा यहां से एफ जेड प्लस डेल्टा जेड बेटा कितना हो जाएगा? सर जी हमारे पास में जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर एन। चले आओ, तो सर जी यहां से फ्रॉम वन एक से या फ्रॉम डेफिनेशन, तो एफ डैश जेड इक्वल टू हमारे पास में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो बड़ा जेड प्लस डेल्टा जेड की पावर एन माइनस जेड की पावर एन अपॉन डेल्टा जेड। चलिए यहां से आगे। हाँ जी बेटा, हम लोगों ने यहां से जेड की पावर एन को बाहर निकालेंगे ताकि जेड की पावर एन मेरे पास में थ्रू आउट कॉमन आ जाए। तो इंप्लाइज सर जी हमारे पास में यहां से एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड की पावर एम को हमने थ्रू आउट बाहर निकाल लिया, बड़े यहां से हमारे पास में क्या बचेगा? सर जी वन प्लस का डेल्टा जेड अपॉन जेड की पावर एन और माइनस का वन अपॉन डेल्टा जेड। देख लीजिएगा आप लोग सभी, हमारे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी अगर है तो आप हमें बता दीजिएगा, हम उसका समाधान अवश्य करेंगे। बोलिएगा नहीं है ना? चले आगे आओ बेटा, आपने ना बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि सर जी वन प्लस एक्स की पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम में अवश्य पढ़ा होगा बेटा, ये हमारे पास में होता है सर जी वन प्लस का एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट। अगर हम इसका नेक्स्ट टर्म लिखेंगे तो एन एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस का डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। अब प्लस का डॉट डॉट तो हम आगे तो लिख भी नहीं पाएंगे ना, मालूम चला पूरी जिंदगी निकल गई। हाँ जी सर जी, तो हमारे पास में यहां से एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो बड़ा जेड की पावर हमारे पास में यहां से है एन। इधर आइए आप लोग सभी, अभी यहां बड़ा वन प्लस एक्स की पावर एन है, थोड़ा आप यहां से वन प्लस एक्स की पावर एन को आप इसमें फॉलो कराइएगा, तो हमारे पास में वन प्लस का एन और एक्स मेरे पास में यहां से प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू। बेटा मैं यहां लिख रहा हूं ना, राकी जी दिखाई दे रहा है क्या? लास्ट में डेल्टा जेड अपॉन जेड का होल स्क्वायर, बेटा लास्ट में ये डेल्टा जेड अपॉन जेड का होल स्क्वायर है ना। अगर मान लीजिए किसी कारणवश अगर कैमरे में कैप्चर नहीं हो रहा तो आप लिख लीजिएगा, हाँ ये स्क्वायर है बेटा यहां ना, ठीक है ना बेटा। प्लस का हमारे पास में डॉट डॉट और बेटा ये लास्ट में भैया कौन है? माइनस का वन, ये ब्रैकेट बंद अपॉन डेल्टा जेड। हमारा क्वेश्चन लगभग लगभग समाप्त हो चुका है, सुनिएगा आप लोग सभी यहां बेटा, वन से वन कैंसिल होगा, समझ रहे आप लोग? वन से वन कैंसिल हो जाएगा बेटा, हमारे पास में एन डेल्टा जेड अपॉन ये बचेगा, हम डेल्टा जेड से डिवाइड भी करेंगे और बेटा इसके आगे आने वाले सभी टर्म्स में डेल्टा फर्स्ट रहेगा, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब हमारा ज्यादा कुछ नहीं बच रहा है, यहां से केवल और केवल एक लाइन और आने वाली है, क्लियर ना? तो हम उसको यहां लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन आपने लिख लिया है पहले ही। आइए अभी लिखेंगे नहीं आप लोग कोई भी, अभी आप लोग कोई लिखेगा नहीं, ध्यान रखिएगा। ये हमने इसकी बाउंड्री लाइन बना दी, तो सर जी इंप्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू हमारे पास में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो। आओ वन से वन बर्बाद हो गया,
देखिएगा आप लोग बेटा, हमारे पास में क्या बच रहा है, यहां से हम डेल्टा जेड से भी डिवाइड करते हुए चलेंगे, सुन लेना पहले ही। सर जी जेड की पावर एन भैया ये तो है बाहर हमारा, डेल्टा जेड डिवाइड करोगे तो यहां से कैंसिल, तो एन डॉट वन अपॉन जेड बना, एन एन माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू मेरे पास में, डेल्टा जेड का होल स्क्वायर है, एक बार डिवाइड करेंगे केवल एक बचेगा, अपॉन जेड स्क्वायर प्लस का डॉट डॉट, इसके आगे आने वाले सभी टर्म्स में डेल्टा जेड रहेगा, बोलो हाँ या ना, रहेगा ना। चलिए बेटा अब इसमें देखिएगा आप लोग, यहां सर जी एफ डैश जेड इक्वल टू हमारे पास में, आप इस पर लिमिट लगा दीजिए अभी चेक करो, हाँ जी डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, बेटा ये भैया बर्बाद हो गया, हो गया काम से, इसके आगे आने वाले सभी टर्म्स में डेल्टा जेड अवेलेबल होगा, वो भी चले जाएंगे काम से, तो कितना हुआ सर जी जेड की पावर एन डॉट एन वन अपॉन जेड प्लस का जीरो इक्वल टू एन जेड की पावर मेरे पास में एन माइनस वन, ये आया ठीक है ना, क्या गया बड़ा वन, ये कैंसिल हो गया ना, ये वन से वन कैंसिल हो गया ठीक है। आइए सभी आप लोग यहां, सभी इधर आइएगा और देखिएगा आप लोग सभी यहां, हाँ जी बेटा मान लीजिए आपके पास में देखो जेड की वैल्यू आप कुछ भी लोगे, वन प्लस आयोटा टू प्लस थ्री आयोटा, सुनना आप लोग सभी यहां बेटा, आपने ना जेड की कोई एक वैल्यू ले ली, कोई भी हो सकती है, और आपने ना एन की एक वैल्यू ले ली, सर जी एन इक्वल टू वन टू थ्री जो भी है, बेटा आपके पास में एन फिक्स हो गया कि सर जी एन इक्वल टू ये है, आपके पास में जेड फिक्स हो गया सर जी जेड इक्वल टू ये है, तो आप बताइए मुझे केवल एक ही मान मिलेगा ना उसका, केवल और केवल मुझे यूनिक वैल्यू ही मिलेगी ना उसकी, मैं बोल दूं कि एन इक्वल टू टू हो गया और जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा हो गया, तो मुझे केवल यूनिक वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, बोलो हां या ना, मिलेगी ना, कोई दिक्कत इसमें। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे बोल दूं सर जी एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, एग्जिस्ट एंड फाइनाइट विद्यमान एवं परिमित, ठीक है ना, अगर एफ डैश जेड हमारे पास में अगर एग्जिस्ट और अगर फाइनाइट हो गया ना, गारंटी है जो फंक्शन एफ जेड जेड की पावर एन है ना वो हमारे पास में डिफरेंशिएबल हो जाएगा डोमेन में, बात क्लियर। अब आप लोग मेरी बात सुनिए, ये तो था पढ़ाने का तरीका है ना, ये तो होता है भाई पढ़ाने का तरीका कि किस तरह से आपको चीजों को लेके चलना है, अब आप थोड़ा सा मेरा भी सुन लीजिएगा, सुनना आपके पास में कोई भी एक फंक्शन है और फंक्शन कौन सा है कॉम्प्लेक्स, मैं कॉम्प्लेक्स पहले बोलू ना बोलू, सम्मिश्र बोलू ना बोलू, दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं ठीक है ना। चलिए कोई फंक्शन है अगर उसको किसी डोमेन में आपको अगर डिफरेंशिएबल बताना है पॉइंट पर, तो सबसे पहले आपको यह चेक करना होगा कि सर जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न आपसे किस चीज की रिक्वायरमेंट कर रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए या किसी डोमेन के लिए कर रहा है। तुमने ये देखा ये जो क्वेश्चन था ना ये डोमेन के लिए बातचीत कर रहा है, अगर डोमेन के लिए बातचीत करता है तो सर जी डोमेन की डेफिनेशन का इस्तेमाल हो जाएगा कि जो एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट है ना डेल्टा जेड टेंस टू जीरो वो एग्जिस्ट हो जाए और फाइनाइट हमें मिल जाए, हमारा काम बन जाएगा, ये बात होती है। तो हमारे पास एक फंक्शन था, तब गिवन फंक्शन है तो हमने ये लिख लिया ये फंक्शन गिवन है, उसके बाद में हमें ये प्रूफ करना है, वो सब कुछ लिखा हुआ है आपके नेत्रों के सामने। चले यहां से आगे, हाँ जी तो बेटा हमने डेफिनेशन क्यों किया, हाँ हमें इसको बताना है कि ये एग्जिस्ट और फाइनाइट हो जाए,
अगर हम यही लिख देंगे कि एग्जिस्ट और फाइनाइट है, फिर तो आपने क्या प्रूव किया, फिर बात गलत है ना, ठीक है ना। चलिएगा बेटा, तो एफ जेड हमारे पास में रहा और एफ जेड प्लस डेल्टा जेड हमारे पास एक पावर एन हो गई। दोनों भैयाओं को हमने इक्वेशन नंबर वन में शिफ्ट कर दिया। जेड की पावर एन यहां से बाहर जाएगी तो थ्रू आउट हमने बाहर निकाल दिया उसको। जेड यहां से आया तो जेड की पावर एन, और जेड की पावर एन जेड की पावर एन हमने बाहर भेज दिया, तो एक साथ लिख दिया वो, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। अपॉन डेल्टा जेड। फिर सर जी हमने ये देखा कि वन प्लस एक्स की पावर एन जैसा हमें फॉर्मूला मन रहा है, तो क्यों ना हम उसमें वन प्लस एक्स की पावर एन की बाइनोमल अप्लाई कर दे। तो हमने वो अप्लाई की, ठीक है ना। उसके बाद एफ डैश जेड इक्वल टू हमारे पास में ही आया, वन से वन कैंसिल हुआ और डेल्टा जेड से हमने डिवाइड कर दिया। लिमिट अप्लाई करेंगे थोड़ा इसके बाद में, इसके आगे आने वाले सभी टर्म्स में डेल्टा जेड अवेलेबल होगा। अगर अवेलेबल होगा तो बर्बाद हो जाएगा, अगर बर्बाद हो जाएगा तो ये आंसर बच जाएगा। आपके पास में एन की कोई एक वैल्यू है, जेड की वैल्यू है, तो आपको एक यूनिक की तो वैल्यू मिलेगी। ऐसे तो है नहीं कि आपने एन इक्वल टू वन लिखा और जेड इक्वल टू वन प्लस टू आयोटा लिखा, आपको एक बार तो मिल रहे हैं चार, एक बार मिल रहे हैं पांच, मतलब ऐसा वो तो बात हो नहीं सकती ना। इसका मतलब ये एग्जिस्ट एंड क्या हो गई, फाइनाइट, विद्यमान एवं परिमित। कोई दिक्कत? तो यहां से बेटा अतः एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर एन, एन बिलोंग टू कैपिटल एन, सर्वत्र अवकलनीय है, सर्वत्र अवकलनीय है। इंग्लिश वाले लिख पाओगे इजीली, हेंस एफ जेड एन कॉमा एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर टेबल एवरीवेयर, ठीक है ना। अब लिख लो आप लोग, पहले ये फिर वो लास्ट में ये। अगर किसी भी विद्यार्थी का, किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी लाइन में, किसी भी स्टेप में अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें बताइए, हम डेफिनेटली उसको दूर करेंगे, होना तो नहीं चाहिए। हाँ जी, क्योंकि ये अब याद हो गए होगा आपके, इसको आप रात को सोते समय सपनों में भी बोल पाओगे, अब थ्योरम्स को बोल पाओगे ना। अरे बोल दोगे क्या? अरे प्यार से पूछ रहा हूं, बोल दोगे क्या? लिख करके एक छोटा सा कमेंट कर देना, डन। लिख करके एक छोटा सा कमेंट कर देना, डन है ना। हाँ, इंग्लिश वाले ये लास्ट लाइन लिख लेना, हमारे पास में पर्याप्त जगह नहीं है इस वजह से हम इसको नहीं लिख पा रहे इंग्लिश में। कौन है मोनू भैया? ये बेटा आपके पास में, आप है ना, कोई भी एन की एक फिक्स वैल्यू ले लो और जेड की ले लो कोई भी एक फिक्स वैल्यू, आपको एफ डैश जेड का एक ही तो मान मिलेगा, बोलो हाँ या ना। आपने एन इक्वल टू वन लिया और जेड की वैल्यू आपने कुछ भी ली, एक फिक्स ले लो, तो ऐसे तो है ना कि आपको दो मान मिल जाएंगे एफ डैश जेड के, पॉसिबल नहीं है ना, एक ही तो मिलेगा, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। इसलिए हमने लिख दिया एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, विद्यमान और परिमित हो गई। चेक कर लो वैसे, अगर आपका ऐसा डाउट चल रहा है तो एन इक्वल टू वन लीजिए और जेड इक्वल टू वन प्लस आयोटा लीजिए,
13 1 लिखिए तो 1 डॉट 1 प्लस आयोटा की पावर 1 माइनस 1 तो 1 ही मिलेगा ना। ऐसे तो है ना कि आपको कभी 1 मिल रहा है, कभी 2 मिल रहा है, कभी 3, नहीं ना। इसलिए हम लिख रहे हैं वहां एग्जिस्ट एंड फाइनाइट, विद्यमान एवं परिमित। हाँ जी और बोला जाए। हाँ और कोई डाउट किसी बच्चे का? किसी बच्चे को डाउट और पढ़ने में दांसू मजा आना चाहिए, सीधी सी बात है ये, है ना। हर चीज को इस तरह से पढ़ो कि याद हो जाए, बाद में बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं हो, बस ये ध्यान रखिएगा। कमलेश मीना बेटा आप है ना, हमारा यूट्यूब चैनल पर ही एक वीडियो हमने डाल रखा है वेबिनार वाला, उसमें हमने बताया कि आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, आप उसको देख लीजिए, 30 से 35 मिनट पर आप उसको देखिए, वहां बताया गया है, ठीक ना। आप हमसे अब पूछ रहे हो, हमने बच्चों को वो पहले ही बता दिया। और केवल हम 5 कमेंट का इंतजार करेंगे, डन 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 5 बार, अगर हमें दिखाई दे गया ना तो हम तुरंत रब कर देंगे, ठीक है ना। अब ऐसा भी मत करना कि हम वहां तक लिखना बंद करें और आपने वह कमेंट कर दे डन डन डन। एक ही नहीं, एक ही विद्यार्थी ने 5 बार कर दिया है ना, तो ध्यान रखना अलग अलग विद्यार्थी होने चाहिए, टर्म्स कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। और देखिए अभी है ना सेकेंड ईयर का कोई अता पता नहीं है, सेकेंड ईयर का कोई अता पता नहीं है, तो आप लोग अभी अगर सेकेंड ईयर पढ़ना चाहते हो तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, बाकी जब हमें मालूम चलेगा ना तब भी हम पढ़ सकते हैं, इतना सही आएगा एग्जाम में। चलिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहां से, हमारा यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा नोट लिखिए आप लोग पहले, यहां बेटा आप लोग है ना पहले एक छोटा सा नोट लिखिएगा, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे। हाँ जी देखिएगा सभी आप लोग इधर आइएगा बेटा, हमारे पास में होता है सर जी जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। बेटा डेल्टा अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो डेल्टा जेड इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा सर जी, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, आंशिक परिवर्तन, ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंस, डिफरेंसिएशन नहीं बोला मैं, केवल डिफरेंस बोला हूं मैं, मतलब कि अल्प हमने उसमें चेंज किया है, तो अगर जेड ये है तो डेल्टा जेड हमारा ये हो जाएगा। चलें ये पहली बात, अगर जेड बार हमारे पास में एक्स माइनस आयोटा वाई है बेटा, तो सर जी गारंटी है डेल्टा जेड बार इक्वल टू हमारे पास में डेल एक्स माइनस का आयोटा डेल वाई हो जाएगा, मतलब कि आप इसी पर डेल्टा लगा दो। अब आयोटा पे डेल्टा मत लगाना क्योंकि आयोटा भैया तो फिक्स है रूट माइनस वन, उसको ना आप और ना मैं कोई चेंज करने वाला है भी नहीं। आगे चलिए बड़ा एक बात है सर जी, अगर हमें कहीं पर जेड टेंस टू अगर जीरो हो, अगर दिखाई दे तो हम इसका मीनिंग क्या समझेंगे, सुनना आप लोग कमाल की चीज आएगी। अब अगर जेड टेंस टू जीरो है तो सर जी हम इसको ये मान के चलेंगे
कि जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आयोटा बाई टेंस टू जीरो, और बड़ा जीरो एक्चुअल में हमें कॉम्प्लेक्स में लिखना होगा, तो जीरो प्लस आयोटा जीरो। जीरो को हम कॉम्प्लेक्स में किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे, जीरो प्लस आयोटा डॉट जीरो बड़ा, तो रियल पार्ट रियल पे मैप कर जाएगा, इमेजनरी इमेजनरी पार, यानी कि हम बोलेंगे सर जी एक्स टेंस टू जीरो एंड वाई टेंस टू जीरो। ये लीजिए भैया, ठीक है ना, आगे बढ़िए। अगर हमारे पास में अगर डेल्टा जेड अगर टेंस टू जीरो है बेटा, इसका मीनिंग एक्चुअल में डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई टेंस टू जीरो होगा, और जीरो का मीनिंग एक्चुअल में जीरो प्लस आयोटा डॉट जीरो है। तो हमारे पास में बेटा क्या हो जाएगा सर जी, डेल एक्स टेंस टू जीरो एंड ऑल्सो डेल वाई टेंस टू मेरे पास में जीरो। क्या कि छोटे छोटे से मतलब कॉन्सेप्ट हैं, हालांकि हमें इनको कोई याद नहीं करना, हमें इनको पढ़ना नहीं है, काफी बार इनसे हमारा सामना होगा, तो ये हमारे को वैसे भी याद हो जाएंगे, बस आप लिख के छोड़ दीजिएगा, आप लोग लिख करके छोड़ दीजिएगा। किसी क्वेश्चन में क्या मतलब, ये मान के चलिए लास्ट यूनिट जो हमारे यूनिट नंबर 5 होगी ना, उसमें भी ये यूजफुल होंगे, ध्यान रखना, उसमें भी काम आ सकते हैं। देखिए हमारे पास में ना लास्ट सेशन की पूरी क्लासें रिकॉर्डेड हैं, सुनना आप लोग, लास्ट सेशन की हमारे पास में पूरी क्लासें रिकॉर्डेड हैं बेटा। हम चाहें तो अगर कोई बच्चा हमसे लेगा तो हम उसको रिकॉर्ड दे सकते हैं ना, लेकिन रिकॉर्डेड और लाइव में पढ़ने का कोई तो इंटरेस्ट होता है। लाइव में क्या होता है कि आपको ना पर डे एक लेक्चर मिलता है, तो उम्मीद है आप एक लेक्चर इजीली देख सकते हो, लेकिन हमने अगर रिकॉर्डेड आपको एक साथ दे दिया ना पूरा का पूरा पेपर, तो आपको ऐसा लगेगा कि इतने सारे वीडियो हैं कैसे पढ़े हम इनको, ठीक है ना। हमारे पास से पूरी क्लास ए टू जेड रिकॉर्डेड हैं, लेकिन फिर भी हम आपको लाइव पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लाइव पढ़ाने का हमारा केवल एक ही मोटो है, और वो मोटो हमारा क्या है कि बच्चे को बस पर डे एक लेक्चर मिलता रहे और वो चीज़ों को आसानी से सीखता रहे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां से, हाँ जी चले क्या, हाँ बेटा आओ क्वेश्चन लेके हमारा नेक्स्ट यहां से बड़ा, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एफ जेड इक्वल टू जेड बार। क्या बोला मैं, आपने सुना एफ जेड इक्वल टू जेड बार अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक है ना, प्रूव दैट, प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशियबल। इज नॉट डिफरेंशियबल, इसका मीनिंग हमारे पास में इसमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है ना। अगर पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है इसका मतलब किसके लिए बातचीत होगी बेटा, बातचीत होगी किसके लिए बातचीत होगी, डोमेन के लिए, कंप्लीट डोमेन के लिए, पूर्ण प्रांत के लिए बातचीत होगी।
मीनिंग डेफिनेशन नंबर टू का इस्तेमाल होने वाला है, समझ गए? तो आप क्वेश्चन लिखिए, फिर हम इसको सोल्व करना आरंभ करते हैं। यहां हाँ जी, हाँ कोई कमेंट किसी बच्चे का? और देखिए हमारी क्लास एप्लीकेशन पर स्टार्ट होने के बाद सुनेगा आप लोग, कल हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा, उसके बाद 2 लेक्चर और होंगे आपके पास डेमो के लिए, मतलब कि लेक्चर नंबर 8 से हम लोग है ना पूर्णतः एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, ध्यान रखना। तो हम कल आपको बता देंगे कि फीस वगैरह कहां डिपॉजिट करवानी है, कैसे करवानी है, कितनी करवानी है, ठीक है ना? आगे दूसरी बात, बेटा एप्लीकेशन पे जाने के बाद भी, एप्स पे जाने के बाद भी हम वीक में एक दिन, मतलब सप्ताह में एक दिन, बेटा 7 डेज में से एक दिन, मतलब वीक में से एक दिन हम यूट्यूब पर जरूर आएंगे और लाइव आएंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना, वीक में एक दिन, वो दिन कोई सा भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि यही होना चाहिए। हम लेक्चर नंबर 8 से ऐप पे पहुंच जाएंगे, ऐप पे पहुंचने के बाद वीक में एक दिन, वो दिन कोई सा भी हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूजडे हो सकता है, वेनसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, इससे ज्यादा इंग्लिश हमें आती नहीं है, ठीक है ना? कोई सा भी डे हो सकता है, हम यूट्यूब पर लाइव जरूर आएंगे, ठीक है ना? वीक में एक दिन अवश्य आएंगे। चले यहां से हम लोग, हाँ जी चलिए बेटा, हमारे पास फंक्शन एफजेड इक्वल टू जेड बार है, हमें इसको डिफरेंशिएबल बताना है। डिफरेंशिएबल ये क्या है? नहीं है, ठीक है ना? इज नॉट डिफरेंशिएबल। चले यहां से हम लोग आगे आओ, थोड़ा सबसे पहले हम वही चीज लिखेंगे, दिया गया फलन, माना दिया गया फलन एफजेड इक्वल टू मेरे पास में जेड बार, तब हमें सिद्ध करना है फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार अवकलनीय नहीं है, क्या नहीं है? डिफरेंशियबल नहीं है। तो इतनी बात मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद हम लोग आएंगे, या पहले हम इसको लिख लेते हैं, तो हम आपको ये बोल करके लिखवा रहे हैं, तो आप लोग लिखिए यहां प्रूफ, लिखिए यहां पर, माना दिया गया फलन, बेटा जब भी प्रूफ करते हैं हम किसी चीज को तो मान के ही चलते हैं हम लोग, ध्यान रखना है ना? माना दिया गया फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार, तब लास्ट वाले के जैसा आएगा, बस फंक्शन चेंज हो जाएगा, तब हमें सिद्ध करना है फलन एफ जेड इक्वल टू जेड बार अवकलनीय नहीं है, क्या नहीं है? अवकलनीय नहीं है। हाँ जी, इंग्लिश वाले लिख पाएंगे इजिली, लेट गिवन फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार, एफ जेड इक्वल टू जेड बार, देन वी प्रूव दैट, देन वी प्रूव दैट फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नॉट डिफरेंशिएबल। इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है? हाँ जी आइए, बड़ा जस्ट नीचे लिखेंगे
चूंकि परिभाषा से हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन, चूंकि परिभाषा से हम जानते हैं कि सिंस वी नो दैट फ्रॉम डेफिनेशन, आइए सभी इधर आइएगा, सभी इधर बेटा, हाँ जी भैया, एफ डैश जेड इक्वल टू हमारे पास में लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन मेरे पास में क्या है जेड बार डेल्टा जेड, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट हो जाए और फाइनाइट हो जाए तो हमारे पास में डिफरेंशिएबल हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये दो ही चीज हम जानते हैं। चले यहां से आगे हम लोग, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हाँ सर जी, सिंस एफ जेड इक्वल टू हमारे पास में कितना बेटा जेड बार है, और इसी की सहायता से एफ जेड प्लस का डेल्टा जेड कितना हो जाएगा सर जी, जेड प्लस का डेल्टा जेड का बार, तो हम एक में पुट कर दें फ्रॉम वन एक से, बेटा एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंड टू जीरो, कंप्लीट पे आएगा ना, हाँ डेल्टा जेड टेंड टू जीरो, बेटा एफ जेड प्लस डेल्टा जेड कितना है जेड प्लस डेल्टा जेड के सर पे बार, ठीक है ना, माइनस एफ जेड कितना है जेड बार अपॉन भैया डेल्टा जेड, और कल हमने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी अगर आपके याद हो तो, जेड वन प्लस जेड टू का जो बार है ना, इनके पर्सनली माथे पर बिंदी आप लगा दीजिएगा, मतलब कि पर्सनली माथे पर आप बार लगा दीजिएगा, कॉन्जुगेट इंप्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू हमारे पास में लिमिट डेल्टा जेड टेंज टू जीरो, ये मेरे पास में जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार माइनस जेड बार अपॉन ये खा गया इसको, इसने इसको बात करके छोड़ दिया, चल भैया आ जा तू मेरे पास, इंप्लाइज एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंज टू जीरो और डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, यहां तक लिखिए, इसके आगे की बातचीत हम कल की क्लास में करेंगे, क्योंकि इसके पीछे की कहानी ही इंपॉर्टेंट है और हमें वही सीखनी है, ठीक है ना, इसके आगे की कहानी हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे, डिटेल में करेंगे, क्वेश्चन का हमारा 70% कार्य हो चुका है, केवल 30% बचा है, और जो बचा है ना वही सीखना है, तो उसके लिए आप अभी डाउट में रहिए, कल हम आपसे मिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हो भी नहीं पाएगा अभी 5-7 मिनट में नहीं हो पाएगा, वो टाइम चाहिए उसको थोड़ा सा, ये लिमिट हमने कल भी बोला था लिमिट वाले में कि हम आपको लिमिट के क्वेश्चन भी करवाएंगे, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी में आ रहे हैं बेटा, तो हम कल इस लिमिट पर डिस्कशन करेंगे, इस लिमिट पर हम आपसे कल विचार विमर्श करेंगे, ठीक है, लिख लीजिएगा, कल हम आपसे मुलाकात करते हैं सेम वक्त सेम जगह, ठीक है ना, बाय।